हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके एजुकेशन। आज वीडियो आम डिस्कसन करवा दशम श्रेणी भौतिक विज्ञान प्रथम अध्याय रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। तो फास्ट आम डिस्कसन करवा आम प्रीवियस ईयर में कौन सब प्रश्न पड़ा ये पाठर तापर आम एक्सट्रा किसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर गुड़ी डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे, तो वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व जदि एपर्तंत तुमने टेलीग्राम चैनल जॉइन करन तेल मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक देती से लिंक रे क्लिक कर जॉइन करो किंवा टेलीग्राम रे सर्च कर एसपी एजुकेशन 10th क्लास एम सर्च कर तुमने टेलीग्राम चैनल पाइज और जॉइन करपर। ओके, तो मन रख प्रत्येक दिन ठीक राति 8टा बेले तुम एसए वन एग्जाम सरिया पर्यंत आम एसपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल तुमको एग्जाम प्रिपेरेसन मुझे डेली क्लास नहीं आसवि समस्त अटेंड कर डेली आम क्लास चलो सन्ध्या 8टा बेले। ठीक अच्छे, तो चलो आ डेरी करें स्टार्ट करवा। प्रथम देखिए आम प्रीवियस ईयर सब कौन कौन प्रश्न पड़ता है तापर आम एगुड़ी आलोचना करवा। देख प्रीवियस ईयर अर्थात आम फास्ट देखिए 2022 मसीह प्रथम प्रश्न थी आम दि जाता रासायनिक प्रतिक्रिय क्यों जौगिकटी जारित होती विजारित हो भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जारित कौटा होटा विजारित हो तुम जान कमी फास्ट मो कथा बुझ जहाँ आस तुम कर किंतु जो मानक आसुनी से कहीदे बुझे दूसरी मुझे जारित विजारित कह तुम सब दिन कौन देख प्रतिकारक पार्श्व को देख तो मुतर कौन आस उत्तर आस प्रतिकारक पार्श्व। तो प्रतिकारक पार्श्व जोटा कौन हो जी ऑक्सीजन है ऑक्सीजन मिसिबो जो थे ऑक्सीजन मिसिब आम से कौन कह जारित हो कि जदि से हाइड्रोजन हर ताल भी आम कौन कह जारित हो मन रख प्रतिकारक पार्श्व जो आम जो पदार्थ थी जदि उत्पाद पार्श्व गला बेले से कौन थी ऑक्सीजन मिसो ना हाइड्रोजन ओजन को हरा कौन बोली कह जारित हो विजारित मान कौन तार ठीक उल्टा जदि सी ओजन मिसोला प्रतिकार पार्श्व गोटे पदार्थटा से उत्पादक गला बेलू तार कौन से ओजन मिसी किंवा सेठी कौन ना ऑक्सीजन हरा थे कौन बोली कह विजारित बोली कह कौन बोली कह विजारित बुझे ना। तो खाली ऑक्सीजन को नहीं तुम बुझ देख ए खाली ऑक्सीजन ही तुम बुझे जदि गोटे पदार्थ ऑक्सीजन मिसुचे तुम कौन बोली कह जारित बस जारण हो कह आदि से पदार्थ ऑक्सीजन फेड़ा हो ऑक्सीजन हरा से पदार्थटा तो तुम कौन कह से विजारित बात विजारण है कह। ठीक से हाइड्रोजन कौन कर जदि हाइड्रोजन हरला कह जारित बोली कह हाइड्रोजन मिसला कौन कह विजारित बोली कह बुझलना। तो ठीक से कहे क्योंटी जारित हो विजारित हो तो फर्स्ट ऑप्शन देला आम MnO2 जारित हो कहला। देख MnO2 आम बाम पार्श्व अच्छे ना से डाण पार्श्व गला बेले कौन होना एम एन ए तो तार दीटा ऑक्सीजन थी से ऑक्सीजन दीटा हरदेला MnO2 कौन कहला ऑक्सीजन हरदेला तो ऑक्सीजन हरा कौन कौन ताको विजारित है कहते कि कौन दे जारित बोली देती तेणु आम यहाँ कटिला। सेकेंड ऑप्शन देख सेकेंड ऑप्शन आम कौन देना HCl जारित हो देख HCl HCl कौन होते डाण पुट गला सी सीएल हो गला सी कौन है सीएल तम सी कौन हाइड्रोजन हरला मुझे तुमको कही ना जदि से ऑक्सीजन मिसु कि हाइड्रोजन हर दुजा गोटे कौन बोली कहवा जारित कौन कह ताको जारित कह ऑक्सीजन मिसो कि हाइड्रोजन हरा जारित कह तो HCl रे कौन होची HCl रे ऑक्सीजन मिसीनी सत किंतु जो एचिला थिला से एचिला हरे कि कौन खाली सीएल हो गला ना खाली सीएल ना डाण पट गला बेले से आम कौन कह HCl लाइट तुम जारित हो तो HCl जारित हो ठीक अच्छे। और MnO2 कौन हो MnO2 विजारित हो कहीं MnO2 ओ2 हरे कि से खाली MnCl रहा जो ऑक्सीजन तास मिसी थी ऑक्सीजन हरला ऑक्सीजन हरला मैंने सीजिए आम विजारित तेणु आम ऑप्शन बी हो ठीक आंसर HCl जारित होला MnO2 विजारित होला। क्लियर बुझल समस्ते। चलो नंबर टू डिस्कशन करवा अबे सेकंड क्वेश्चन कौन अच्छे Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स राइज टू BaSO4 प्लस NaCl ऊपर दिया था रासायनिक प्रतिक्रिया एक डैश एटा गोटे क्यों प्रकार प्रतिक्रिया तुम देखु देखु कहीपर बहुत सहज एटा देखो Na2SO4 थिला एटी BaCl2 थिला आयन विनिमय घटेगला जो एन ए टू से क्या सब मिसला से सी एल टू सब मिसला मिसिक एन एस सी एल होगा आर बी एडा कौन एसओ फोर सब मिसिक बी एसओ फोर होगा
ତାମାନେ ଏଠି ଆୟନ ବିନିମୟ ହେଉଛି, ଆର ତାପ ଗଲେ ତାର ଆପ ଆସିଲା, ଏମିତି ଆସିଲେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ତାକୁ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠି ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀରେ କ'ଣ ଅଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏଇଟା ମୋତେ କହିଲା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ। ଏଠି ଦେଖ CaCO3 ଥିଲା, ମାନେ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟକୁ ଆମେ ଦେଲେ ତାପ ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ଦେଲା ଫଳରେ ସେ କ'ଣ CaO ହେଇଗଲା, କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା, ତା ସହ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା, ହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ବିଘଟନ କୁହାଯିବ ନା ତାପଗ୍ରାହୀ କୁହାଯିବ ନା ଜାରଣ ବିଜାରଣ କୁହାଯିବ ନା ଉଭୟ ବିଘଟନ ଓ ତାପଗ୍ରାହୀ କୁହାଯିବ। ଆ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ, ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କର ସମସ୍ତେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ତାମାନେ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଜାରଣ, ସରି ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଉଭୟ ବିଘଟନ ଓ ତାପଗ୍ରାହୀ। କାହିଁକି କୁହାଗଲା ବୁଝ, ଏଠି କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଥିଲା, ପ୍ରତିକାରକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ଭାଙ୍ଗି କ'ଣ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଦୁଇଟା ଉତ୍ପାଦରେ ପରିଣତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବିଘଟନ ହେଇଗଲା ଏଠି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାରକ ଭାଙ୍ଗିକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାକୁ ବିଘଟନ କୁହାଯିବ। ତା ସହିତ ଏଠି ତାପଶକ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ଏଠି ତାପଶକ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ତାପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଘଟନ ହେଲା, ତା ମାନେ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟକୁ କ'ଣ ତାପ ଦରକାର ହେଲା, ସେ ତାପକୁ ଶୋଷଣ କଲା, ହେଲା, ବା ସେ ତାପ କ'ଣ କଲା ଆମର ଗ୍ରାହୀ କଲା, ସେ ତାପ ଗ୍ରହଣ କଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଉଭୟ ବିଘଟନ ତା ସହିତ ତାପଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ, ହେଲା। ଖାଲି ବିଘଟନ ନାହିଁ, ଖାଲି ତାପଗ୍ରାହୀ ନାହିଁ, ୟାକୁ ଆମେ ବିଘଟନ ତା ସହିତ ତାପଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ କହିବା, କାରଣ ଏଠି ତାପ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାପ ଶୋଷଣ କରୁଛି, ତେଣୁ ୟାକୁ ତାପଗ୍ରାହୀ ବା ତାପଶୋଷୀ ଆଉ ବିଘଟନ ମଧ୍ୟ କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ନିମ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଦେଖ CaO + H2O ଗିଭ୍ସ ରାଇଜ୍ ଟୁ CaOH ର ହୋଲ୍ ଟାଇଜ୍ + ହିଟ୍। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲ, ଏଠି 2019 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁହ, ଏଠି କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ଆନ୍ସର, CaO + H2O CaOH ର ହୋଲ୍ ଟାଇଜ୍ + ହିଟ୍। ଏଠି ଆମର କ'ଣ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା, ଦେଖ ଦୁଇଟା ପ୍ରତିକାରକ ଥିଲା, ଉତ୍ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା, ତା ସହିତ ସେଠି କିଛି ତାପଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଲା, ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଯେହେତୁ ପ୍ରତିକାରକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ କହିବା ସଂଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତମେ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା ଦୁଇ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଅଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ମିଶି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସଂଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତା ସହିତ ଏଠି କିଛି ତାପଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ତାପ ନିର୍ଗତ ହେଲା ମାନେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ତାପ ଉତ୍ପାଦି ବୋଲି କହିବା, କାରଣ ତାପଶକ୍ତି ଏଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଆମର ଉଭୟ ସଂଶ୍ଲେଷଣ ତା ସହିତ ତାପ ଉତ୍ପାଦି ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲ ନା, ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକାରକ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ସଂଶ୍ଲେଷଣ, ତାପଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ସଂଶ୍ଲେଷଣ ସହିତ ତାପ ଉତ୍ପାଦି ମଧ୍ୟ କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଆମର ଏଠି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଫାଇଭ ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଛୁ ଏଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଟେ, CaCO3 ତାପଶକ୍ତି ଦେବା ଫଳରେ କ'ଣ ଅଛି, CaO ହେଲା, ତା ସହିତ CO2 ହେଲା, ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ, ତିନି ନମ୍ବରଟା ଯେମିତି ହେଲା ଠିକ୍ ସେମିତି। ଏଟା ଆମେ କ'ଣ କହିବାକୁ, ଉଭୟ ବିଘଟନ ଓ ତାପଗ୍ରାହୀ କହିବା, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାରକ ଥିଲା, ସେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ, ଆଉ ତାପଶକ୍ତିଟି ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା, ତାପ ଶୋଷଣ କଲା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଉଭୟ ବିଘଟନ ଓ ତାପଗ୍ରାହୀ ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଏଠି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଦେଖିବା ଏବେ, ସିକ୍ସ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଜେଡେନ୍ + CuSO4 ଗିଭ୍ସ ଆଜ୍ ଜେଡେନ୍ SO4 + CU, ଜେଡେନ୍ ଆଉ CuSO4 ମିଶିଲେ ଜେଡେନ୍ SO4 ହେଲା, CU ହେଲା, ସେଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆନ୍ସର କ'ଣ, ସଂଶ୍ଲେଷଣ, ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ, ବିଘଟନ, ବିସ୍ଥାପନ। ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଏଠି, ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆକୁ କୁହାଯିବ ବିସ୍ଥାପନ। କାହିଁକି ବିସ୍ଥାପନ କହିଲା, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଯେଉଁ CU ଦେଖୁଛ ନା ପିଲାମାନେ, ସେ CU କୁ ଜେଡେନ୍ କ'ଣ କଲା, CU ଘଟିକି ତା ଜାଗାରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା, ଇଏ ଆଉ CU କୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ, ଦେଖୁଛ ନା। ତ ଆଗକୁ ଯେଉଁ CuSO4 ଥିଲା, ଜେଡେନ୍ ମିଶିଲା ପରେ ଜେଡେନ୍ SO4 ହେଇଗଲା, CU କୁ ସେ ବାହାର କରିଦେଲା, ତାକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିଦେଲା, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲା ପୁରା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅନ୍ୟ ଯୌଗିକର ମୌଳିକକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରେ ଏବଂ ନିଜେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଠି ଜେଡେନ୍ଟା CU କୁ ହଟାଇଦେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା ଆମେ। ନମ୍ବର ସେଭେନ, ରୂପାର ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ସମୟ ବାୟୁରେ ରହିଲେ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟେ। ଦେଖ ରୂପା ଉପକରଣ କିଛି ଦିନ ଯେ ବାହାର ରଖିଦେବେ ନା, ରୂପା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଯିବ, କଳା ହେଇଯିବ, ତ କାହିଁକି ସେ କଳା ହେଉଛି, କେଉଁ ପଦାର୍ଥଟା ଏ ଭିତରୁ ଦାୟୀ ଅଟେ, ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ଏ ଭିତରୁ କିଏ ଦାୟୀ ତା ପାଇଁ ବୋଲି, ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ, ସିଲଭର ସଲଫାଇଡ଼। ଯେତେବେଳେ ରୂପାକୁ ତମେ ବାହାର ଛାଡ଼ିବ ନା,
से वायुमंडल सल्फर सहित प्रतिक्रिया करिवो हैला वायुमंडल सल्फर से प्रतिक्रिया करिवो आ से सिल्वर सल्फाइड सल्फाइड हो जीवो बुझा से कोन हो सिल्वर सल्फाइड हो जीवो ए सिल्वर सल्फाइड कोन करछि रूपा को पूरा कला कर दोस ए जिनसर मन रखो 2017 में से आसला तो से जो हमरो सिल्वर सल्फाइड हैला मन रखो रूपाटा जो कला पड़छि कहाँ पे सल्फाइड पे से कला पड़छि बुझ पार्छ ना। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन Fe2O3 प्लस 2 AL गिव्स राइज टू Al2O3 प्लस 2 Fe एटा क्यों प्रकार प्रतिक्रिया एथिरु बुझी पार्छ ना तुम्हारा प्राय कौन आसो ना जारण बीजारण क्वेश्चन आसुच्छी और रासायनिक समीकरण देखिए पचारे क्यों प्रकार प्रतिक्रिया आम बोर्ड एमती प्रश्न पचारे आईडिया मिलगला ना पूर्व वर्ष प्रश्न देखिए तुम जापारा ना है ये कौन हम तुम क्यों प्रकार प्रतिक्रिया अटे एटा आम जो गोटे विस्थापन प्रतिक्रिया कहीं कहना एल टा कौन कर एफ टू गला करदे अलग करके से Al2O3 गला एफ्यू को बाहर करदे से कौन कह विस्थापन कहो। नंबर 9 देख निम्नोक्त रासायनिक प्रतिक्रिया क्यों प्रकार प्रतिक्रिया क्यों प्रकार प्रतिक्रिया पीबी सीयू सीएल टू से मिसले पीबी सीएल टू सी गला एटा मतलब विस्थापन हम कहीं पीबी कौन कर सीयू को अलग करदे बाहर करदे निजे से जगह रहीगला। नंबर 10 क्यों ताप उत्पत्ति रासायनिक प्रतिक्रिया अटे ताप शक्ति सृष्टि कर सी कौटा कहे चार्टा भितर ए जि बीआर गिफ्ट सैस टू ए जि प्लस बीआर टू ना एटा ना एटा ना एटा कौटा मोर चार्ट ऑप्शन में कौटा ठीक आंसर जो ऑप्शन बी कहीं से ऑक्सीजन मिसला गोटे जगह ऑक्सीजन सहित से जारण घटू है मिथेन कौन ऑक्सीजन सहित मिस जारण घटला तमें कौन से निप शक्ति सृष्टि हम ताप सृष्टि देख अच्छे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर अंगारकाम गैस बाहर तो ये ऑक्सीजन मिसला ना बुझ पार्छ ना ऑक्सीजन मिसला अंगारकाम गैस बाहर तमें कौन ताप शक्ति सृष्टि से जारण घटला जारण घटे ताप शक्ति सृष्टि और सीओ टू गैस बाहर तो ये तुम आईडिया करपर कि ये ये आमर कौन अच्छी ना ताप शक्ति उत्पन्न ऑप्शन बी रे। तापे देख नंबर 11 11 नंबर कौन अच्छी क्यों रासायनिक प्रतिक्रिया संगठित हो पार ना ये भितर कौटा संगठित हो पार ना ये प्रश्न भी तुम परीक्षा आसपार तो एमती प्रश्न गुड़ी तुम भल देख कौटी कौन कह संगठित हो पार ना तो आंसर कौन हम कह देख तुम बहिटा अच्छी एफ सी एस एफ को एफटा सी पर अलग करदेव जेड एन सी एस एफ भी जेड एनटा सी अलग करदेव पी सी सी एल भी सी को पीबीटा अलग करदेव कितु एजी अलग करजीटा भूल रे भी सी कपर को अलग करें कहीं एजी मैंने सिल्भर और सी मैंने कपर ए भितर कपरटा अधिक प्रतिक्रियाशीलता कि एजी ना एजीटा कपर अपेक्षा कम प्रतिक्रियाशीलता से सीयू को केवे एजी अलग करें तो बही में पूरा सेम टू सेम एमती एक्जामपल तीन अच्छे पाठ भितर अच्छे किटा ना है विस्थापन प्रतिक्रिया उदाहरण पड़े ना तीन टाइम उदाहरण अच्छे भाई कि उदाहरण ना तो ये तुम जापर कौन यहाँ तुम हमने प्रतिक्रिया है से बहुत जहाँ भी किसी प्रतिक्रिया गुड़िक समीकरण गुड़िकना सबुदा समीकरण मन रखे चेस्टा कर खास कर तुम प्रथम पाठ से तुम प्रथम पाठ समीकरण निहाती क्वेश्चन आसो आम भल हैंडल कराया कौन कराया पड़ो सबुदा समीकरण मन रखा पड़ो। ताप चल आम जी नेक्स्ट नंबर 12 देखा 12 नंबर देख 2015 मसीह प्रश्न Fe2O3 प्लस 3 CO गिव्स राइज टू Fe प्लस 3 CO2 कौन कह प्रतिक्रिया संपर्कित ठीक उक्ति क्योंटी ठीक उक्ति कौटा बोली पचार आंसर कौन हम ये कहल ए भितर कौटा ठीक लगुच टाइम नियो टाइम नियो किसी असुविधा ना मुझे जाऊन कि तुम भी कौन जीवन मत आंसर दि कौन हम आंसर कौन हम तुम ऑप्शन ए का ठीक हो कौन कह एफ हूँ विजारित उत्पाद देख Fe2O3 रु सी कौन करजारित उत्पाद बोली कह विजारित बोली कहने विजारित हो विजारित हो Fe2O3 कहीं Fe2O3 कौन एफी हूँ ऑक्सीजन हरिक एफी हूँ सी है तेणु Fe2O3 विजारित कौन सोचा एफी है तो आम कौन कहना एफी हूँ गोटे विजारित उत्पाद ठीक अच्छे तापर सीओ हूँ विजारक सी गोटा गोटे विजारक तो कते तुम जानवा गोटे जिनस विजारक बोली जानव केत ना जदि से कौन कर हाइड्रोजन हरा जिनस मन रख हाइड्रोजन हरा विजारित अलग विजारक अलग ये मन रख विजारित आम कौन जानते जदि सी ऑक्सीजन हरा कौन कह बीजारी कौन कह बीजारित है कहते सी बीजारण है कहते कि बीजारक बीजारक अर्थ कौन बीजारक अर्थ हूँ जी गोटे उजाण टे दौर बीजारक साय कर उजाण टे हरा कौन कह बीजारक कि जी जो थी कौन गोटे ऑक्सीजन मिसुचे कौन कह बीजारक कह तो देख 3 CO थी कौन 3 CO2 होती तो ऑक्सीजन थी गोटे
मिसला कौन आउट ऑक्सीजन मिसिकी थ्री सी उठे गला तमाने ये जिनस तुम कौन गोटे ऑक्सीजन मिसी ऑक्सीजन मिसुच्छे कौन बोली कह बीजारक है कह बीजारक कह बीजारक है बीजारक कह कि जार तो जारी तो बीजार तुम कौन कह ये आगे तुम कौन बोली कह जेहेतु ये गोटे ऑक्सीजन मिसुच्छे तेनाली जारी तो है कह कौन है कह जारी तो है कह जारी तो है किंतु बीजा रक बोले आसला रक 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 मान जारी तो सी कम बीजा रक है जी जारी तो सी आम कौन सी बीजा रक आज बीजारित है कौन कह बीजारित जी है कौन कह जारक कह जारक आजारक जारक बीजारक डिफरेन्स बुझ जारक मान कौन जी बीजारित हो तुम जारक कह ये माइंड पूरा सेट कर दि जी बीजारित हो तुम जारक कह आ जे जारित तो होता तुम कौन कह बीजारक कह तो ये आमर एफि टू थ्री कौन हो एफि टू थ्री अक्सीजेन हरा तेनालीर कौन बीजारित तो होगा ता मैंने सी गोटे जारक सी कौन करना से गोटे अक्सीजेन मिशुची ताने कौन सी जारित होारित हो गए बीजारक बीजारक तो सी गोटे हूँ बीजारक एफि हूँ गोटे बीजारित उत्पाद है बीजारित बीजारक जो तुम टिके तेल कल खाता मैंने बाहर नोट कर दिव पूरा नोट कर दिया माइंड फिट कर दिया है नेक्स्ट जीवा नंबर 13 देख 13 कौन अच्छे आमर एन एस सी एल प्लस एजीएनओ थ्री एजीसीएल प्लस एन एनओ थ्री ये क्यों प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया पचार अच्छे एटा कौन तुम द्वैत विस्थापन हो सरी 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 एटा क्यों प्रकार पचार अच्छे द्वैत विस्थापन होगा कथ आउ कौन एटा कहे मत कौन हम एन एस सी एल प्लस एजीएनओ थ्री एजीसीएल प्लस एन एनओ थ्री संख्या कौन अच्छी सरी संश्लेषण विस्थापन अवक्षेपण जारण विजारण मत कौटा कौन हाँ एटा कौन एन एस सी एल प्लस एजीएन ओ थ्री एजीसीएल प्लस एन एन ओ थ्री एटा आउ कौन कहपर नंबर टाक ए क्वेश्चन आंसर हो पार आम अवक्षेपण बोले आम कहीपर है आम अवक्षेपण बोलीपर एटी तुम गोटे अवक्षेप सृष्टि हे गोटे बुझे ना एजीसीएल अच्छे एन एनओ एनओ सरी एन ए एनओ थ्री अच्छी तो अवक्षेप किए हम एटी जो एजीसीएल देखुना ये आम कौन तले बसीज सिल्वर क्लोराइडा ये तो आक्वा सल्यूशन से पा लिक्विड हो रही बुझना यटा आम कौन कही एटा को द्वैत विस्थापन कहींपर कहीं द्वैत विस्थापन कहीं कह ना जो एजी अच्छी सी आसी सीएल सह मिस एन एटा जीव क्या मिस एनओ थ्री सह मिस तो द्वैत विस्थापन हम कि द्वैत विस्थापन अप्सन दे के ना तो मैंने आउ कौन हो पार जितने मैंने परस्पर प्रतिक्रिया करना कले ये कौन हम आम जो एजीरा अच्छे सिल्वरटा से क्लोरीन सह प्रतिक्रिया कर गोटे सिल्वर क्लोराइड हो गए कौन गोटे कठिन पदार्थ सृष्टि हे सी से बिकर तले बस प्रतिक्रिया कौन जान एजीसीएल ना कि जो सिल्वर क्लोराइडा से तले बस अवक्षेप सृष्टि आउ एक एन एनओ थ्री कौन जो लिक्विडा रोह सी कौन हो एन एनओ थ्री होजीसीएल कौन होजीसीएल आसिक पूरा तले बस अवक्षेप सृष्टि तेणु आपको आम अवक्षेपण प्रतिक्रियापर बुझे ना द्वैत विस्थापन अवसर देते द्वैत विस्थापन कह किंबा ये आम अवक्षेपण हम कहीं जो एजीसीएल ना कि सी गोटे अवक्षेप सी तले बस से ये हम गोटे अवक्षेपण प्रतिक्रिया बुझा ना समस्ते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अब क्यों प्रक्रिया प्रतिक्रिया तापशोषी अटे ये किए तापशोषी मान तापशक्ति शोषण करे तापशोषण करे से आंसर कौन हम ना मार्बल तापीय विघटन मार्बल को ताप दे से विघटन होला मार्बल को ताप दे से विघटन मार्बल माने कौन सी ए सीओ थ्री ताको तुम तापशक्ति बना माने ताको गरम करिवो ताप देव ताप दे से कौन हम जान ना से आम कौन हम सी एओ हम प्लस एच टू होलग अलग होगा विघटन हो गला से ताप मार्बल को मान मार्बल संगत सी ए सीओ थ्री कैल्सियम कार्बोनेट ताको तुम गरम कले सेठी कैल्सियम ऑक्साइड मिल कलिचून तुम तुमको जल मिल है तो विघटन है कमी विघटन है ताप दिल्ली को सी विघटन है ताप ग्रहण कालाप शोषण कला से आम कौन कह मार्बल ताप विघटन हो गोटे प्रकार तापशोषी प्रतिक्रिया ओके तापर देख पूर्व वर्ष प्रश्न आम शेष प्रश्न देखा अगे कौन अच्छे ना क्यों धातु अति लघु नाइट्रिक अम्ल सह प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस सृष्टि कै अति लघु नाइट्रिक अम्ल सह प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस सृष्टि कर आंसर कौन हम नाइट्रिक अम्ल फॉर्मूला होची HNO3 नाइट्रिक एसिड बा नाइट्रिक अम्ल अति लघु बहुत डाइल्यूट हेल्ले भी सी प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस सृष्टि कर सी हूँ आम कौन
से हूँ जिंक। ठीक अच्छे एट आंसर कौन हम सरी सरी भूल कहली मैग्नीशियम जिंक नो से आम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कौन कर नाइट्रिक अम्ल सहित मानते अति लघु नाइट्रिक अम्ल सहित बहुत कम अम्ल हेले सी ता प्रतिक्रिया करके सी हाइड्रोजन गैस सृष्टि कर सी किए से हूँ मैग्नीशियम बुझल तो ये थी प्रिवियस ईयर क्वेश्चन तापर चल आम देखा यही वर्ष प्रश्न सॉरी भूल कहली यही वर्ष प्रश्न कौन आस मैंने एक्स्ट्रा किसी आम क्वेश्चन डिस्कसन करवा फर्स्ट प्रश्न देख आई होप समस्त क्लियर बुझीपार पे जब बुझीपार ये लिख मैं मुझे जानवी कमी बुझीपार ना चलो आगे बढ़िया क्योंकि एक रासायनिक पदार्थ नुहे एवं टे स्पीड करवा कहीं अलरेडी समय बहुत गड़ गड़ जाए तो स्पीड टे बढ़ेगा क्यों एक रासायनिक पदार्थ नुहे आंसर कौन हम जल बरफ होगा ये गोटे भौतिक कहीं जल बरफ हम पुणे बरफटा जल हो पार से आम रासायनिक परिवर्तन नुहे। नंबर टू मैग्नीशियम पात वायु जल्ला बेले उत्पन्न होता धला चूर्ण रासायनिक नाम कौन तार रासायनिक नाम हूँ मैग्नीशियम अक्साइड तार संकेत हूँ कौन एनजीओ। ठीक अच्छे मैग्नीशियम जो तुम जल तो सी कौन हो मैग्नीशियम अक्साइड हो तुमने भी स्पीड आंसर दिव खाली मुझे दीदी गले हमें तुमने मो मिसिक आंसर देव चेस्टा कर रासायनिक परिवर्तन बेले क्यों घटी न थाए कौन घटे ना वस्तुतरे परिवर्तन घटुने तुम्हें सब नवम श्रेणी पढ़ कौन पढ़ तुम्हें स्थिर अनुपात नियम वस्तुत संरक्षण पढ़च ना तो वस्तुत संरक्षण नियम कौन पढ़ल जो रासायनिक प्रतिक्रिय वस्तुर जो वस्तुतर सृष्टि होनी कि विनाश होनी जितकी ओजन थी रासायनिक प्रतिक्रिया पर भी ओजन से रोटे अप्सन डी हम ठीक आंसर। लेड नाइट्रेट्र रासायनिक संकेत कौन लेड नाइट्रेट्र रासायनिक संकेत हूँ PbNO3 होल ट्वाइस कौन PbNO3 होल ट्वाइस। नंबर फाइव लेड नाइट्रेट जलीय द्रवण में पोटासीयम आयोडाइड जलीय द्रवण मिसाइले जो अवक्षेप सृष्टि है तार रंग कौन ये गोटे अवक्षेप सृष्टि हे लेड नाइट्रेट तुम यदि पोटासीयम आयोडाइड से मिसेब तुम कौन लेड आयोडाइड हम है PbI हम लेड आयोडाइड तार रंग कौन तार रंग होलदिया से गोटे अवक्षेप सृष्टि तार रंग होलदिया यहाँ मन रख जिन जो जिन तुम जान तुम कौन से मन रख समस्ते। नेक्स्ट देख नंबर सिक्स गोटे रासायनिक समीकरण में प्रतिकारक एवं उत्पादर भौतिक अवस्था सूचाईपाई व्यवहित होता संकेतन GLAQSA मध्य रासायनिक समीकरण पर कतोटी व्यवहार कर जाए देख रासायनिक समीकरण आगे अच्छी तुमको देखिए मत कह चार्ट जो अच्छे अवस्था भितर कौटा व्यवहार कर देख ये आम समीकरण एटी कौन हम कत अवस्था लगे कहल एफ गोटे सलीडटा कठिन गोटा ना तो सलीड लगे एच टू गोटे कौन देख 100 डिग्री अधिक अच्छे 100 डिग्री अधिक ताप तुम गरम कले से कौन हम से लिक्विड रोक कि ना से गैस हो गैस हो Fe3O4 ये कौन एटा गोटे सलीडटा है गोटे सलीडटा Fe3O4 गोटे सलीड आच्छू उर्जान कौन गोटे गैस तमें केवल आमको दुईटा अवस्था दरकार पड़ा तो ऑप्शन बी हो ठीक आंसर कौन कौन दीटा गोटे सलीड आ गए गैस लिक्विड लगे कि आकुआ सल्यूशन भी लगे लुहाटा सलीड H2 गोटा गोटे गैस हो कहीं H2 प्रकृति में जल कि 100 डिग्री अधिक तापमात्रा तुम गरम करो ना पुणी से गैस होपर Fe3O4 ये गोटे सलीड आउ H2 हूँ गोटे गैस तो ये आमको दुटा दरकार पड़ा गोटे सलीड आ गए गैस। तापर देख लेड नाइट्रेट को उत्तप्त कले सृष्टि होता बादामी रंगर धूम गैस क्यों लेड नाइट्रेट को तुम गरम कर तुमको गोटे बादामी रंगर गोटे कौन मिल धूम गैस मिल सी कौन सी तुम कौन हम ना NO2 हो जो ऑप्शन बी माने NO2 बुझल लेड नाइट्रेट तुम जिते भी गरम कर तुमको गोटे कौन मिल बादामी रंगर धूम गैस मिल बादाम कलर मिल सी आई कौन सी हूँ नाइट्रोजन अक्साइड NO2 से कौन से बादामी रंगर गोटे गैस। आठ नंबर देख कलिचिन को जल से मिसाइले क्यों रासायनिक प्रतिक्रिया संघटित हुए कलिचिन को तुम पानी में मिसाइब तो सीट कौन हम कलिचिन संकेत कौन CaO प्लस प्लस H2O जल मान H2O मिसले कौन तुम कह CaOH वोल्टेज होगा ये गोटे कौन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने आपको आम कौन कहू समित चून बोली कहू तुम ये गोटे तापशक्ति तुम सृष्टि हे कि कौन ये कह प्रतिकारक पार्श्व दुईटा थी गोटे CaO आउ गोटे कौन मिसला आमर से H2O मिसला है कि सृष्टि कौन समित चून जोटा कि CaOH वोल्टेज है तमें ये गोटे संश्लेषण प्रतिक्रिया कहीं दुटा प्रतिकारक मिसला गोटे उत्पाद सृष्टि ना ताको कौन कह संश्लेषण प्रतिक्रिया कहतापुर नंबर 9 CaCO3 को उत्तप्त कले जो कठिन पदार्थ सृष्टि हुए तार रासायनिक नाम कौन CaCO3 यहाँ कौन एटा हो मार्बल संकेत ताको तुम गरम कर टी के मुझे डिस्कसन करी नंबरटा तो गरम कले कौन हम CaCO3 गरम कले तुमको मिल कौन जाना CaO मिल सहित तुमको H2O मिल
तो ये मिले कौन सीओ मिले कौन कही था कलुचून रासायनिक नाम कौन कैल्शियम कैल्शियम कौन ऑक्साइड ऑप्शन बी हम ठीक आंसर। नंबर 10 घर कांथ को चून पा द्वारा धोलेबार 2-3 दिन पर अधिक उज्जवल देखा जाए यहाँ दायी होता पदार्थ नाम कौन घर कांथ को तुम चून पा द्वारा धोलीदेव 2-3 दिन पर कौन हम सी आमर मार्बल मानने सुखीजी है सीटी कौन थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थी तुम जब लगेदेव से कैल्शियम कार्बोनेट्रे परिणत हो कौन जो ना कैल्शियम कार्बोनेट्रे परिणत हो बुझल ना तुम बुक रहा कौट अच्छे मुझे कहि बुक रत नंबर पेज बाहर कर लिखाई है तुम कौन कर ना चून पा को कांथ लगे से वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे प्रतिक्रिया कर अंगारकाम्ल गैस प्रतिक्रिया करापर तुम सृष्टि हो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट कौन जो कि मार्बल संकेत ये मन रख मार्बल संकेत कौन कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सी ए सीओ थ्री ठीक अच्छे तो सी ए सीओ थ्री जीव से पदार्थ ना कौन ता पदार्थ ना हो कैल्शियम कार्बोनेट। तापर नंबर 11 निम्नोक्त रासायनिक प्रतिक्रिया क्यों प्रकार प्रतिक्रिया ए जि सी एल था कौन ए जि प्लस सी एल टू भांगिगला जब भांगा तो कौन विघटन बोली कह सूर्यलोक उपस्थित में सी दि भाग होगा ए जि होगा सी एल टू होगा विघटित होगा सी तक कह विघटन प्रतिक्रिया। निम्नोक्त रासायनिक प्रतिक्रिया क्यों प्रकार प्रतिक्रिया अटेटा जेड एन अच्छे एच टू एस फोर अच्छे जेड एन एस फोर प्लस एच टू एटा को कौन विस्थापन बोली कहवा कहीं से कौन करएच टू को पूरा अलग करदेला किए जेड एन जेड एन गला एच टू को अलग करदेला अलग कर जगह से होगा एच टू पूरा सैड करदेला कहुए विस्थापन प्रतिक्रिया। 11 नंबर देख सोडियम सल्फेट जलय द्रवण सह बेरियम क्लोराइड जलय द्रवण मिसाइले क्यों रासायनिक प्रतिक्रिया संघटित हे सोडियम सल्फेटा तुम जब बेरियम क्लोराइड से मिसेब तेल से हो कौन ना सोडियम क्लोराइड ता सहित बेरियम सल्फेट आसव सोडियम क्लोराइड और बेरियम बेरियम सल्फेट आसो मुझे संकेत लिखे देख एन ए टू एस ओ फोर प्लस बी ए सी एल टू मिसले तुम आसव कौन जान एन ए सी एल हो सहित बी एस ओ फोर बी एस ओ फोर तमें कौन ये आयन विनिमय घटुच्छे एन एटा सी एल से मिसला बी एस एस ओ फोर से मिसला तो ये कौन हम द्वैत विस्थापन ऑप्शन बी हम ठीक आंसर। 14 नंबर देख निम्न रासायनिक पदार्थ मध्य क्यों सूर्यलोक विघटित हुए सूर्यलोक किए विघटित हे ए जि बी आर हम सिल्वर ब्रोमाइड ये देख आम टे लिखी ना है ए जि क्लोराइड मान सिल्वर क्लोराइड हो पार सिल्वर ब्रोमाइड सूर्यलोक कौन हम विघटित हो। नंबर 15 कौन कही क्यों पदार्थ जारित हो किए जारी तुमको कही थी ना जारी तो मैंने कौन जदि से तुम ऑक्सीजन मिसला कि हाइड्रोजन से हरला तुम्हें कौन बोली कहवा जारी तो हो कह तो देखो जो एच सी एल ना से कौन हाइड्रोजन हर खाली सी एल हो हाइड्रोजन हरला तो मैंने आम क्या जारी बोली कह एच सी एल को कहवा एच सी एल मैंने कौन जारी ऑप्शन बी हो ठीक आंसर बुझल बारंबार कह तुमको मन रख जीए कौन कह तुम जीए ऑक्सीजन जो थे ऑक्सीजन मिशुचे कि जो थे हाइड्रोजन बाहर ताको कौन कह जारित हो कह तो ये आंसर कौन एच सी एल हो जारित कहीं एच सी एल हाइड्रोजन हरा सी तापर देख कौन कही क्यों पदार्थ विजारित हो पचार नंबर 16 पचार कौटा विजारित विजारित मान कौन से ऑक्सीजन जाऊ कि हाइड्रोजन मिशु तो मत कह ये क्यों विजारित बोली कह विजारित मैंने कौन ऑक्सीजन जाऊ ना हाइड्रोजन मिशुव तो सीओ देख सीओ ऑक्सीजन पड़े ना पूरा जहाँ सीओ रोचे तो आम कौन कह सीओ को सीओ को कह यूचर विजारित है तुम सीओ को जारक कहीपर आपको जारक बोली कहीपर आजारित बोली कह मन रख जी विजारित कहुए जारक आज जारित कहजारक जिन मन रख। 17 नंबर देख कौन कही क्यों ठीक नुहे कही ठीक नाई कौटा तुम आंसर कौन जाना ए भी बिल्कुल ठीक हे कहीं कही लेट विजारित होमर जारित विजारित सबुदे लेफ्ट साइड जीव से राइट साइड पलि भूल एटा भूल कार्बन डाइऑक्साइड सीओ टू जारित होती ये मत कौन डाण पार्श्व पाला उत्पाद पार्श्व पाला क्या मतलब भूल सबुदे जारित कि विजारित बाम पार्श्व तुम नब तो ए भी दुटा भूल अटे तो मैंने अप्सन आम ए हो ठीक आंसर कहीं दुटा भूल आओ सी कहे ना कौटा ठीक ना बोली कह ठीक ना कौट ए तो अप्सन ए तापर जो तुम एमती कहीपार था कौन कहीपार था तो ना तुम यहाँ कहीपार था कि सी रे कौन हो ये जारित हो देख लिखाई ऑप्शन सी लिखाई सी जारित हो क्या सी रोटे ऑक्सीजन मिसला तुम सी रे जारित हो पीबीओ कौन पीओ गए विजारित हो कहीं ऑक्सीजन हरा चेला तुम लेट ऑक्सीजन पीओ गए विजारित होता कहीपर तुम सी डी ठीक अच्छे कि भूल अच्छे देख नंबर 18 18 कौन अच्छी
एफ टू ओ थ्री प्लस एल मिसले कौन हमारे एल टू ओ थ्री हम एवं एफ हम तो कि प्रकार प्रतिक्रिया यहाँ गोटे विस्थापन प्रतिक्रिया कहीं एल्डा कौन कला एफ यू को अलग करदे देखुना पूरा एफ बाहर करदे बाहर कला मैंने सी जो विस्थापन प्रतिक्रिया देख नंबर 19 कपर गुंड को उत्तप्त कले सृष्टि होता कला रंग पदार्थ नाम कौन कपर को जो तुम गरम कर तुमको गोटे कला कौन मिल कला रंग पदार्थ मिल कौन बोली नाम कौन हम ताम हो सीओ कपर अक्साइड मन रख कपर गरम कले सी भी कला सीओ मिल तुमको ग्लुकोज आम शरीर कोष गुड़िक मध्य अक्सीजन सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करवा क्यों प्रकार प्रतिक्रिया आस उत्पादी प्रतिक्रिया जब आम जीवकोष भितर दहन घटव से कौन हम शक्ति निर्गत ताप सहित मानते सहित ताप शक्ति सृष्टि होती तुम देखी थो आम जो श्वासक्रिया बेले आम जो कौन चाह निश्वास करते देखिए आमर तुम बाहर कर तुम पवन टे गरम लगे क्या आम जीवकोष भितर दहन हम से दहनटा आमर से कौन हम बाहर को आसब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आस से गरम होगी थी सी बाहर आसला बेले आम गरम लगुचे तो तापशक्ति सृष्टि होद्य शक्ति दहन बेले देख नंबर 21 क्योंटी रासायनिक प्रतिक्रिया नुहे नुहे किए से हूँ ऑप्शन ए महम को गरम कर तरल पर्णत कले सी कौन पुण थर तो सी आउ थे कठिन होना थंडा कले कठिन हो तेणु यहाँ रासायनिक प्रतिक्रिया नुहे ये गोटे भौतिक परिवर्तन फेरो सल्फेट स्फटी कर जलणु संख्या के फेरो सल्फेट संख्या कौन FeSO4 है 7H2 FeSO4 7H2 बुझिपारा तो ये तुम कौन रही जो स्फटिक हो तुम कितना मिलला ये आमको सतुरा जलणु मिलला जलणु कितना मिलला आम सतुरा मिलला से आम कौन बोली कह ये आम गोटे प्रकार स्फटिक है से कत जलणु अच्छी 7H2 FeSO4 ना FeSO4 हमारे आई थिंक मुझे भूल कर ठीक अच्छे ठीक अच्छे FeSO4 का है FeSO4 7H2 ये कौन बोली कह फेरो सल्फेट स्फटिक बोली कह तुम जो कौन कर गरम करदेव ना ताप देदेव ताप दे सी कौन आम FeO3 होता सहित तुमको मिले SO2 और SO3 है सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड एमती मिल आम फेरिक ऑक्साइड जोड़ा कि FeO3 मिल तो स्फटिक कौन सात जलन रोज से जलनटा उड़ीजी जिते कौन करता गोटे गरम करदेव से जलन सब पड़े तो ये कतरे जलन रोचे फेरो सल्फेट्रे सतरे जलन रोच आंसर हम ऑप्शन ए नेक्स्ट खाद्य पदार्थर जारण को प्रतिहत करता पदार्थ कौन कह जारण रोकुचना ताको कह विजारक ऑप्शन डी हम ठीक आंसर चिप्स खोल में क्यों गैस भर्ती कराऊँ ना नाइट्रोजन गैस भर्ती कराऊँ एंटू गैस भर्ती कले कौन से जारण को प्रतिरोध कर नाइट्रोजन गैसटा है ऑक्सीजन से भितर जीवन जहाद्वारा से जारण हेनी से खाद्य पदार्थ रही पार बहुत दिन पर्यटन तेनाली कौन कराऊँ नाइट्रोजन गैस गुड़िक भर्ती कराऊँ तेल घी आदि बहुत दिन रही गले क्यों प्रक्रिया जो रहणिया गंध बाहर जारण प्रक्रिया जो से जारण घटुच्छे बोली से कौन रहणिया गंध बाहर से भितर जिंक दाना लघु सल्फ्यूरिक अम्ल से मिसाइले कौन घटव जिंक दाना तो लघु सल्फ्यूरिक अम्ल सब मिसिब तेल कौन हम आंसर कौन हम कह लघु सल्फ्यूरिक अम्ल सब मिसिब ZN+H2SO4 होना तो ZN+SO4 हो जिंक सल्फेट हो बुझना तो ये तुम ऑप्शन कौन हम यहाँ कह चार्टा ऑप्शन अच्छे आंसर कौन हम आंसर हम जिंक सल्फेट प्लस उज्जैन गैस ऑप्शन बी हो ठीक आंसर से उज्जैन को बाहर करदेव है ना ZN ना कौन कर मिसो H2SO4 सहित तुम से ZN+SO4 हो H2 अलग हो तो यहाँ जिंक सल्फेट उज्जैन गैस अलग हो ऑप्शन बी ठीक 27 नंबर देख कौन अच्छे ना निम्नोक्त रासायनिक प्रतिक्रिया क्योंटी एक जारक अटे जारक है जारक पचारा जारक माने कौन जी विजारित सी जारक जी विजारित सी जारक कि तुम जारक आगे जापर जी जारण से साय कर जारक जारण साय करके जी अक्सीजेन दौर सी जारक तो ये आम ZN गोटा से अक्सीजेन दब क्या गोटे अक्सीजेन अच्छे ना सी अक्सीजेन दब रासायनिक प्रतिक्रिया सी अक्सीजेन दब सी ZN गोटा कौन अक्सीजेन दान करदेव ता मैंने ZN होटे जारक कि एमती बाहर कर पार जी विजारित हो जारक तो ये ZN को कहवा विजारित है कहीं विजारित कह कहीं ZN गोटे अक्सीजेन हरा जी अक्सीजेन हरा कहजारित से विजारित हो कहवा जी विजारित हो तुम जारक कहपर बुझल ना तो ये ZN हो गोटे प्रकार आम जारक ऑप्शन बी हूँ ठीक आंसर तापर नेक्स्ट नंबर 28 कौन अच्छे आमर MnO2+4HCl गिव्स एस टू MnCl2+2H2+Cl टाइम चेक कर दूसरी गोटे मिनट पर पे मैंने
यस आमर ऑलरेडी 34 मिनट हो गला। ओके देख कौन कही ना क्योंटी को विजारक क्योंटी विजारक विजारक माने कौन जी जारित है विजारक बोली कह जे जारित है विजारक कह तो जारित हूँ किए ये जारित हूँ आम किए एच सी एल कहीं एच सी एल कौन हो गए एच हर हरिक सी एल होगा है एच सी एल एच हर सी एल है तुमको कही ना जे हाइड्रोजन हर कि ऑक्सीजन मिसीब कि हाइड्रोजन हर ताकि कौन बोली कह कहे जारित तो हाइड्रोजन हर कि एच सी एल हर से जारित है कह जे जारित होता कहो गोटे विजारक तो आम आंसर हम ऑप्शन डी। नेक्स्ट जलर विद्युत विश्लेषण बेले एनोड ठारे क्यों गैस हम देखो एनोड मान कौन एनोड हमारे जोड़ा कि प्लस पॉजिटिव तो जलर विद्युत विश्लेषण तुम एच रहा कौन एच हूँ गोटे प्लस ऑक्सीजन ना माइनस टा तो प्लस पाखु किए जी माइनस बेले जी ना तो ऑक्सीजन जी प्लस पाखक तेणु ये पचार एनोड ठारे क्यों गैस हम एनोड तुम अम्लजान गैस हम अम्लजान मैंने कौन जोड़ा कि ओटू कहीं एनोड मैंने कौन एनोड मान हो प्लस आ कैथोड मैंने माइनस ठीक अच्छे तेणु तुम ऑक्सीजन जो कड़े को एनोड को जीवा। ओके तापर देख नंबर 30 30 सर ना 31 देख ए सरी 30 देखा आम एट नाइन सर। ओके नेक्स्ट नंबर देख पे कौन अच्छे आम क्वेश्चन एक्स एन ए प्लस वाई एच टू जेड एन ए प्लस एच टू तो समीकरण एक्स वाई जेड्र मूल्य कैसे पचार एक्स वाई जेड्र मूल्य कैसे पचार आंसर कौन हो तुम गोटे मैंने से समतुल कर पचार दे आ कि अलग ना समतुल पचार ना तो तुम देख एटी कौन अच्छी एच टू अच्छी ठीक अच्छे आम ऑक्सीजन देख एन एन ए भी ठीक अच्छे एच टू कौन अलग अच्छे मत कहे एन एपटे गोटे अच्छे एपटे एन ए गोटे अच्छे ओ एपटे गोटे अच्छे है एच तीन टा अच्छे ना ये अच्छे दुईटा अच्छे तुम कौन कर कह ना ये जो वाइड अच्छे ना वाइड जब मुझे दुई लिखीदेवी तेल बाम पास ऑक्सीजन के दुईटा हे है तुम हाइड्रोजन के चारटा होगा हाइड्रोजन चारटा होगा ऑक्सीजन दुईटा है तो ये भी तुम जेड जगह कौन टू करदेव टू कल देख आम ऑक्सीजन एपटे दुईटा है और हाइड्रोजन ये टू दुई गुण अच्छे मैंने दुईटा अच्छे ये दुईटा अच्छे तो सामने गला ना तब आउ कौन अलग देख ए एन ए आम कहते दुईटा होगा टू एन एगला एन ए दुईटा है तेना तुम इतने कौन टू करदेव तो मैंने टू 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 पड़ा सब जगह टू 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 पड़ा जोटा कि आम ऑप्शन डी हम ठीक आंसर एवं समतुल होगा सी तब नंबर 31 देखो राइट साइड उत्तर अच्छी तुम देखिए कहनी निज मन रू खाई चेस्टा कर ये कौन कही वायुमंडल चाप कार्बन मोनोक्साइड गैस हाइड्रोजन एच टू सह प्रतिक्रिया कर मिथाइल अल्कोहल उत्पन्न करें और आंसर कौन होटा क्यों चाप क्यों वायुमंडल चाप वायुमंडल चाप इंग्लीश कह एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ये तुम उत्तर हम 340 एटीएम ऑप्शन हे ठीक आंसर 340 एटीएम मैं 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कौन हम कार्बन मोनोक्साइडा हाइड्रोजन सह प्रतिक्रिया कर मिथाइल अल्कोहल परिणत हो क्यों सत्य ना ये भितर सत्य ना कौटा हम आंसर देख जल विद्युत विघटन बेले कैथोड रे कौन किसी ऑक्सीजन कहे भूल आम टिके देखे पड़ी ना कैथोड रे कौन हम सरी एनोड ऑक्सीजन हम कि कैथोड बोली कहना भूल होगा तब नंबर 33 कौन कह मार्बल भिन्न रूप कि मुझे कही मार्बल संकेत कौन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट तो ऑप्शन कौन हम तुम ऑप्शन बी हम ठीक आंसर तापर देख नंबर 34 क्यों यौगिक को कला धला फोटो संक्रांत कार्य व्यवहार कर जाए क्यों यौगिक को कला धला फोटो संक्रांत कार्य व्यवहार कर जाए से हमारे सिल्वर क्लोराइड ऑप्शन डी हम ठीक आंसर मन रखा फेरस सल्फेट स्फटिक उत्पत्त कले कतोटे गैस उत्पाद सृष्टि हुए फेरस सल्फेट तुम सात जल अंडे पड़े ना तो तुम गरम कर पूरा फेरस सल्फेट को FeSO4 को तुम मिल FeO3 मिल दुटा गैस मिल कौन दुटा गैस गोटे SO2 आउ गोटे गैस होते SO3 ये दुटा के तुमको गैस मिल बुझे ना SO2 और SO3 गैस मिल सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑप्शन बी है ठीक आंसर। नंबर 36 जलर वैद्युतिक विघटन रु सृष्टि होता हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आयतन अनुपात के जलर वैद्युतिक विघटन बेले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के हाइड्रोजन दी भाग मिल ऑक्सीजन गोटे भाग मिल तो 2:1 कहीं संकेत कौन आम H2O ना तो दी भाग हाइड्रोजन मिलला बेले गोटे भाग ऑक्सीजन मिल तेना 2:1 हम ठीक आंसर ऑप्शन बी हो ठीक आंसर कहला क्यों उत्तर सत्य ना ये क्यों उत्तर सत्य ना बोली पचार लास्ट प्रश्न एटा मुझे कहबी कहीं तुमको अलरेडी जारण विजारण बहुत गुड़िया मुझे बुझी सारे तो 37 नंबर मुझे तुमको होमवर्क दूसरी समस्ते निजे करने चेस्टा कर और कमेंट सेक्शन में आंसर देव देखा कितज पिला ठीक है बुझीपाला जारण विजारण और कमेंट्रे जन ठीक अच्छे तो चलो आज क्लास के समाप्त करवा आशा करूँ समस्त आज क्लास बहुत मजादार लगे बहुत भल लगे
କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବ। ଓକେ ମୁଁ ତ କହିବିନି ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଲାଇକ କରି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ତମେ ଅଲରେଡି ତମକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିପାରିବ। ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଏବେ ପୁଣି ମିଶିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ରାତି 8ଟା ବେଳେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।